सूर्य कुमार यादव T20 में नंबर वन रैंक पे है, ये ODI में नंबर सेकंड पे है। दूसरी चीज बिफोर आई फॉरगेट, आई थिंक आपने देखा कि बाकी टीम्स क्या खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका। आज इंडिया ने प्रूव किया कि सर्टिफाइड फादर है क्रिकेट के अंदर, चाहे उनके आगे वर्ल्ड लेवल ले आओ, चाहे बांग्लादेश ले आओ, चाहे पाकिस्तान ले आओ, भाई जो मार मारी 111 रन, इमेजिन कर सकते हैं 5 पे 5 छक्के आपके पूरी टीम से 220 टेस्ट में। छक्का 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 शॉट मार रहे थे जैसे बच्चों को शॉट मारते हैं, वो एक टांग बाहर निकाल के ओ ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट के लिए जी, क्योंकि उनकी प्रेजेंस है, स्वैगर है और राइट स्पिरिट से वो क्रिकेट को खेलते हैं। 97 फेंटा लगा के ठोक के रख दिया बांग्लादेश के फास्ट बॉलर्स को, और ऐसा ठोका है कि उनको पता लग गया कि भाई ये हमारी जो टीम है ये हल्की टीम नहीं है, यंग लड़के हैं लेकिन बहुत तगड़े हैं। मुझे ये बता दें ये इंडिया के जो बैटर्स हैं यार, ये क्या खाते हैं, क्या खा के ये मैदान में आते हैं कि जो काम किसी ने कभी किया ही नहीं होता है वो काम आके ये कर देते हैं। और जैसे सूर्य कुमार यादव ने 75 रन बनाए हैं, जो शॉर्ट सिलेक्शन थी, जो दलेरी है, वो तो 360 प्लेयर बोला जाता है, ऐसे नंबर वन नहीं है। क्योंकि अपनी जिंदगी की वो बेस्ट बैटिंग कर रहे हैं, वो फील्डर्स को नहीं देख रहे हैं, वो गैप्स को देख रहे हैं, वो बाउंड्री को देख रहे हैं, वो छक्के लगाने की सोचते हैं। और ये आप तभी कर सकते हैं जब आपका माइंडसेट जो है वो बहुत ही पॉजिटिव हो, पॉजिटिव इंटेंट हो। मतलब यार कमाल की इनिंग्स है, मतलब इस इनिंग्स के अंदर आपको सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं मिल रही, मजा नहीं मिल रहा, लेकिन प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स मिल रहे, ऐसा लग रहा है कोई वीडियो गेम में मैच चल रहा है। एब्सोल्युटली ऐसा ही कि वीडियो गेम में मैच चल रहा है, ये रियलिटी में तो हो ही नहीं रहा। रियलिटी में कैसा कि एक ओवर में 5-5 छक्के लग रहे हैं भाई। T20 में पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या, मैचेस उठा के देख ले, पाकिस्तान में ODI में नहीं इतनी दफा किया संजू सैमसन भाई, क्या उठा उठा के छक्के मारे। और से अमृतसर है कितना, 40 मील, 40 मील और 40 मील में बैटिंग का इतना फर्क पड़ जाता है। और मैं समझता हूँ कि हम क्या चीज गलत कर रहे हैं कि हम ऐसे यंग टैलेंट और जीनियस प्रोड्यूस नहीं कर रहे बल्ले के साथ। और जैसे सूर्य कुमार यादव T20 में नंबर वन रैंक पे है, ये ODI में नंबर सेकंड पे है। और दूसरी चीज बिफोर आई फॉरगेट, आई थिंक आपने देखा कि बाकी टीम्स क्या खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, और उसकी रफ्तार अगर पिक करनी है तो फिर आपको तलंगे चाहिए जो कि लाठी चार्ज करें, जो कि बदतमीजी करें क्लासन की तरह, बिल्कुल, जो कि आपके ना प्लान्स ABCD सब डिस्ट्रॉय कर दें ऑन द डे, फिर ऐसे ही आपको खेलना पड़ेगा क्योंकि अगले ऐसे सोच रहे हैं। सो आपको ऐसे सोच के और आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, मैं ये बहुत ये ओवर यूज्ड वर्ड है बट ये पाकिस्तान को करना है। लेकिन वो जो जो गलतियां करते जा रहे थे, संजू सैमसन ने ठोक ठोक के उनको 5 छक्के लगा दिए एक ओवर में, और उसके बाद जो सूर्य कुमार यादव शॉटे खेलता है कोई पता नहीं चलता, रिलीज होने तक वो अपनी क्रीज में रहता है, जैसे ही एंड पे एंड तक बॉलर बॉल को रिलीज करता है उस टाइम वो मूव को होता है, कभी ऑफ स्टंप पे जाके ऑन पे मार देता है, कभी ऑफ स्टंप पे पॉइंट पे मार देता है, कभी किधर मार देता है। अजीब गरीब किस्म का वो प्लेयर आया है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, और मतलब यानी बॉलर की लाइन को, लेंथ को, उसके कॉन्फिडेंस की तहस नहस करके साइड पे मारता है। इंडिया में भी आप फ्लैट पिचेस देखे बनती है, चाहे T20 हो, चाहे वनडे हो, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, हर जगह पे फ्लैट पिच होती है और वो अपनी कंडीशंस का पूरा फायदा उठाते हैं। और बांग्लादेश, इंडिया भाई साहब जिन्होंने 297 रन मार दिया भाई T20 में, पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या, मैचेस उठा के देख ले, पाकिस्तान में ODI में नहीं इतनी दफा किया संजू सैमसन भाई, क्या उठा उठा के छक्के मारे जा रहे हैं। 7 ओवर में वो 100 क्रॉस कर गए हुए थे, 11 ओवर में 180, वो उन्होंने ऐसे किया है कि चल यार फिर बांग्लादेश नाल भी तो मैच खेलना है ना, वो 400 मारांगे, वो कहेंगे तो खेलना ही नहीं है। अगर आप ये सोच के सोए ना कि आपके पाकिस्तान क्रिकेट 11 के टीम के नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट 11 के ओपनर रिजवान और बाबर है 50 बॉलों पे 60 स्कोर करने वाले, तो आपको नींद बड़ी अच्छी आएगी। इंडिया ने 297 का टारगेट दे के बांग्लादेश को तो हिलने भी नहीं दिया भाई, बहुत बड़ा टारगेट दे दिया, इतना बड़ा टारगेट दे दिया, अब तो आपका इंटरव्यू करने नहीं बनता हर बंदे को। वैसे बांग्लादेश बुरा नहीं खेला, इंडिया बहुत अच्छा खेल गई है, बांग्लादेश तो पाकिस्तान को हरा देती है, और इंडिया ने छप्पड़ फाड़ दी है, संजू सैमसंग ने एंड्रॉइड का खात्मा कर दिया। मैं ये हैरान हूँ, मेरा एक दोस्त कमेटी लेके बांग्लादेश की तरफ से मैच देखने गया हुआ था, उसकी कमेटी खा गए वो लोग, उन्हें टिकट लेके बेचारा ग्राउंड में एंटर नहीं हो सका, उसका तुम पाकिस्तानी हो तुम जाओ, यहाँ तुम्हारा कोई तल्लक नहीं है इधर। ये बड़ी क्रिकेट हो रही है, बड़ी क्रिकेट हो रही है, मैं बड़ा परेशान हुआ इस बात से। लेकिन जो भी है, संजू सैमसन ने बहुत अच्छा खेला है, ऐसा लगा था T10 हो रहा है, T20 हो ही नहीं रहा, इतना बड़ा टारगेट यार ODI में चेंज नहीं होता, इन्होंने T20 में 298 मार दिए, क्या ही एक ओवर में 5-5 छक्के मार रहा है संजू सैमसन, डोमेस्टिक से अभी उठ के आई है लड़का। इंडिया ने बताया कि बांग्लादेश एक किस लेवल की टीम है, उसको कैसे खेलना चाहिए, उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, इंडिया को आप देख ले इससे अंदाजा होता है उनकी गेम अवेयरनेस कितनी है। संजू सैमसन ने हमारे मुंह के ऊपर जिसको कहते हैं ना तमाशा मार के रख दिया, जो बल्लेबाजी आज कर दी है, छक्का 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 छक्का, शॉट मार रहे थे जैसे बच्चों
मारते हैं, वो एक टांग बाहर निकाल के ओ ओ ओ ओ नो बॉल नो बॉल क्रिकेट की दुनिया में सारे बड़े से बड़ा रिकॉर्ड इंडिया के पास होगा और अभी भी मेरे ख्याल में 90% रिकॉर्ड इंडिया के पास है इस खित्ते में, दुनिया में सबसे बड़े 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 बैटर इस खित्ते ने पैदा किए। और आज आप देख लो 18 बोलों पे 47 हार्दिक पांड्या, चार पांड्या, रिंकू, ओ भाई साहब किस किस की मैं बात करूं, ओ सीको, ट्रेविस हेड, तुम भी खत्म हो गए इनके आगे, तो भाई साहब इंग्लैंड खत्म हो गया, एक ट्रेविस है इधर, 6-7 ट्रेविस हेड, आधा दर्जन ट्रेविस हेड भाई इधर, भगवान परी देखो इसमें से कोई भी इनका टेस्ट का प्लेयर नहीं है। उसने क्या अप्रोच के साथ किया और इनिंग्स कैसे स्टार्ट की है, उसने 4 चौके पहले दूसरे ओवर में, फिर 10वें ओवर में उसने जो 5 छक्के मारे, मेरे ख्याल से 10वां ओवर था रशीद को, और कोई सोच सकता है, चले चौके तो लगते हैं, रोलिंग एज लग गया, को गैप में चला गया, छक्के मारने के लिए कोई पावर चाहिए होती है, मेरे ख्याल से अगर 6 के 6 बॉल होते इसके रशीद के, वो 6 छक्कों का चांस ले लेता ज़रूर जाता। और आज उसने जो टैलेंट दिखाया ना, दिखाया कि ये है संजू सैमसन, ये है राजस्थान रॉयल का प्लेयर, ऐसे नहीं आईपीएल खेलता, ऐसे नहीं कप्तान बना, ऐसे नहीं कि इसने जाके साउथ अफ्रीका में 100 किया, इसमें कुछ है तो उसने किया। और उसके बाद सूर्य कुमार यादव की क्या तारीफ करें यार, अनबिलीवेबल प्लेयर, फिर रियान पराग यार, जज्बा देखें, एज अ टीम वर्क यूनिटी देखें, उनको क्या कि 10 ओवर में 150 लगा आराम से खेले, नट आउट जाएँ, एवरेज ना ख़राब करें, ये है प्लेयर्स, ऐसी टीमें और ऐसे प्लेयर्स क्यों ना बने, बड़े प्लेयर्स क्यों ना बने, नंबर वन टीमें क्यों ना आए जब आप टीम के लिए खेलते हैं। हमारी साइड होती यहाँ पे मैं 110% कहता हूँ कि उन्होंने ये इंटेंट शो ही नहीं करना था। कुमार यादव ये उसने भी, वो तो छक्के ऐसे, उसका तो कोई यूनिक ही स्टाइल है, ऐसे फ्लिक करके छक्का, ये छक्का, ये छक्का, तो वो तो अभी से ही वो लिस्ट में शायद दूसरे तीसरे नंबर पे आ गया, तीसरे नंबर पे हाईएस्ट जो T20 में, अभी 3-4 साल पहले उसका डेब्यू हुआ, 3-4 साल में उसने 150 छक्के मार दिए T20 इंटरनेशनल के, ऐसी कंसिस्टेंसी आपने देखी है कि हर मैच में दो तीन छक्कों का उसका जो है वो एवरेज बन रही है। हमारे वालों से जो फिनिशर है उनका भी 130 का स्ट्राइक रेट नहीं है। तो ये है मॉडर्न डे क्रिकेट, जितना आप देखते हैं अच्छी टीमों को खेलते हुए उतना ही एहसास होता है कि हाउ फार वी आर, हाउ फार बिहाइंड वी आर, कोई मुकाबला ही नहीं है किसी हवाले से। तो इस तरह की जो हिटिंग है वो भाईजान, ये जो आपका स्किल सेट है उसका टॉप लेवल पे जाके तब ऐसी, वो जो नए आ रहे हैं पराग वगैरह वो भी नहीं छोड़ रहे, जो पुराने खेल रहे हार्दिक पांड्या उसका तो बैट स्विंग वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है, जिस तरीके से वो बल्ला चलाता है उसने भी आके एंड पे जोहर दिखाए हैं। ऊपर से स्टेज वाज सेट, आई वाज थिंकिंग के शायद के ये दूसरे का भी शो आ जाएगा सूर्या कुमार का, लेकिन चूंकि मैंने आपको बताया दे प्ले फॉर द टीम, दे डोंट प्ले फॉर द इंडिविजुअल ग्लोरी एंड इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स, दैट्स व्हाई, वरना वो चाहता अभी 6 ओवर रहते हैं 75 पे वो आउट हो गया तो वहां पे टाइम लेके वो 100 कर सकता था कि नहीं, अगर वो थोड़ा सा वहां से टाइम लेके भी करता जितने उसने रन किए ये सूर्या कुमार यादव ने, 35 गेंदों से 75 225 का उसका 220 का स्ट्राइक रेट है, अगर वो थोड़ा सा स्लो डाउन होता वो 45 गेंदों पे 48 गेंदों पे भी करता, 50 गेंदों पे भी 100 करता, कोई क्वेश्चन करता, कोई क्वेश्चन ना करता, लेकिन चूंकि सोच ऐसी है कि पीछे हिटर पड़े हुए हैं पांड्या इंटरनेशनल में 297 रन, हम लानती पाकिस्तानियों ने कभी इतने रन वनडे में नहीं बनाए, कभी इतने रन टेस्ट में नहीं बनाए, इंडिया ने 297 रन T20 में मार दिए हैं, इनकी सक्सेस करा BCCI जो यंगस्टर्स को मौके देता है, रोहित शर्मा जिसने एक कप्तान नहीं एक लीडर बना है, सूर्या कुमार यादव जो कहता है मैंने कप्तान नहीं बनना मैंने लीडर बनना, और एक हमारा इधर रिंकू घंटे का किंग चमकीला रिजवान, ये दो कोड़ी के टके के प्लेयर, इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट का जनाजा निकाला है। तो मैं बताता हूं T20 में इंडिया ने रिकॉर्ड बनाया सर, रिकॉर्ड 297 रन T20 क्रिकेट में, ये सेकंड हाईएस्ट रन है, मैं तकरीबन इसको बोलूंगा फर्स्ट, मतलब पहले हाईएस्ट रन ही है, इसके ऊपर क्या है नेपाल और जो है वो मंगोलिया का मैच था जिसमें नेपाल ने बनाया था, नेपाल और मंगोलिया
कि मैच में वो चीज तो नहीं ना होगी जो इंडिया और बांग्लादेश के मैच में होगी, तो आप इस बात को मेरी समझ रहे होंगे। मतलब टी ट्वेंटी हिस्ट्री में इतने रन किसी टीम ने नहीं बनाए, मैं ये बोलूंगा, ठीक है। टी ट्वेंटी हिस्ट्री में इतने रन किसी टीम ने नहीं बनाए आज तक, 297 निकलो पर। जब पाकिस्तानी बैठ के ये बातें करते थे इंडिया आईपीएल में बस इतने रन बना सकता है, इंडिया तो सिर्फ आईपीएल में ये करेगा, इंडिया ये करेगा, बेटा आपके बाप ने ना, आपके पापा जानी ने इंटरनेशनल में भी उतने रन बना के आपको दे दिए। अब बैठ के ना अपने मुंह में चूपा लेगे ना, उसको चूसते रहो बैठ के। 297 रन इंडिया ने बांग्लादेश के आगे बनाए हैं, रन रेट इनकी रही है भाई 15 की, 15 की रन रेट से रन मारे हैं हर ओवर में। उसके बाद अफगानिस्तान आता